पाठ बच्चों, आज मैं संज्ञा के परिभाषा के बारे में बताने जा रही हूँ। कल मैं संज्ञा के परिभाषा के बारे में बताई थी कि संज्ञा के पांच भेद होते हैं। और मैं ये भी बताई थी कि पांच भेद कौन कौन से हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, पहला क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। चौथा है समूहवाचक संज्ञा। और पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो मैं आज ये पांचों जो संज्ञा के भेद हैं उनके ये परिभाषा को बताऊंगी। तो आइए जानें कि संज्ञा की परिभाषा क्या है। तो संज्ञा के पांच भेद होते हैं, तो आज हम जानेंगे पांच भेद के परिभाषा क्या क्या होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानें व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा सबसे पहले जानेंगे। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन पटना कलम इत्यादि। यहाँ मोहन जो नाम है, तो यहाँ पे मोहन, सोहन, सीता, गीता, रीता, हम कोई भी व्यक्ति का नाम लिख सकते हैं। पटना जो है वो स्थान का नाम है, तो यहाँ पे मैं पटना, दिल्ली, भोपाल, गुजरात, बंगलोर, कोई भी स्थान का नाम लिख सकते हैं। कलम, कलम या कमल एक फूल है, तो यहाँ पे मैं कमल, कलम, ये बोर्ड जो है, ये बोर्ड है, इसका भी नाम लिख सकते हैं। बोर्ड है, कुर्सी है,
या कोई भी सामान का नाम लिख सकते हैं। सेब हो गया। कोई भी वस्तु या सामान का नाम हम लिख सकते हैं। तो ये हो गए व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद हम जानेंगे कि जातिवाचक संज्ञा क्या है। तो आइए हम जानें जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, अब हम जानेंगे बच्चों कि जातिवाचक संज्ञा क्या है। जिस संज्ञा शब्द से जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु की पूरी जाति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु की पूरी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। पूरी जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आइए इनके हम एग्जाम्पल जाने क्या है। तो जैसे पहाड़, नदी, मनुष्य, स्त्री, पर्व इत्यादि। जैसे पहाड़, नदी, मनुष्य, स्त्री, पर्व इत्यादि। पहाड़ जाति का बोध हो रहा है। जैसे मैंने इसमें ये नहीं लिखी हूँ कि हिमालय पहाड़ है या कौन सा पहाड़ है। उसी प्रकार नदी में पूरी नदी जाति का बोध हो रहा है। इसमें ये नहीं कि यमुना या कोई नदी के बारे में बताया जा रहा है। मनुष्य से पूरे मनुष्य जाति का बोध हो रहा है, कोई भी मनुष्य। इसमें किसी का नाम नहीं बताया जा रहा है। स्त्री से पूरे स्त्री जाति का बोध हो रहा है। उसी तरह से पर्व में पूरे जो पर्व है, त्योहार है जो हम लोग अपने देश में मनाते हैं, तो पूरे पर्व का बोध हो रहा है। इसमें ऐसा नहीं कि होली हो या दिवाली हो, ऐसा पार्टिकुलर कोई पर्व का हम नहीं बता रहे। सब पूरे जाति का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे पूरी जाति का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आइए अब हम जानेंगे कि भाववाचक संज्ञा क्या है। भाववाचक संज्ञा क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। जो संज्ञा शब्द
वस्तु जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति प्राणी वस्तु आदि के जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति वस्तु प्राणी आदि के तीसरा ये है भाववाचक संज्ञा। क्या है बच्चों? भाववाचक संज्ञा, इसे क्या करते हैं? भाववाचक संज्ञा। तो आइए इसका डिफिनेशन जाने, क्या है भाववाचक संज्ञा की परिभाषा है। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति प्राणी वस्तु जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति प्राणी वस्तु आदि के गुण दोष स्वभाव आदि के गुण दोष आदि के गुण दोष स्वभाव अवस्था गुण दोष स्वभाव अवस्था जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति प्राणी वस्तु आदि के गुण दोष स्वभाव अवस्था आदि का बोध कराते हैं आदि का बोध कराते हैं आदि का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जैसे अच्छाई सुंदरता जैसे अच्छाई सुंदरता कड़वाहट करवाहट बेईमानी लड़कपन बचपन इत्यादि। तो बच्चों भाववाचक संज्ञा जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति प्राणी वस्तु आदि के गुण दोष स्वभाव अवस्था आदि का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अच्छाई सुंदरता ये क्या हो गए? ये व्यक्ति के गुण हो गए। करवाहट और बेईमानी क्या हो गए? करवाहट और बेईमानी उनके दोष हो गए। लड़कपन बचपन ये उनका स्वभाव हो गया और अवस्था में उनका बुढ़ापा
जवानी बचपन ए क्या हो गया तो अवस्था हो गया। तो बच्चों अब हम जानेंगे समूहवाचक संज्ञा। तो आगे हम क्या जानेंगे समूहवाचक संज्ञा। समूह तो बच्चों अब हम जानेंगे समूहवाचक संज्ञा क्या है। तो समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा जानेंगे क्या है। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के झुंड या समुदाय का झुंड या समुदाय जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के झुंड या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के झुंड या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गुच्छा गुच्छा कक्षा मेला परिवार आदि इत्यादि। तो जैसे मैं बच्चों यहां आपने देखा गुच्छा कक्षा मेला परिवार। तो गुच्छा का मतलब है अंगूर का गुच्छा। तो गुच्छा में बहुत सारे रहते हैं, एक अंगूर तो नहीं रहता है, उसमें अंगूरों का बहुत सारे गुच्छा रहता है। तो एक गुच्छा में बहुत सारे अंगूर रहते हैं। और कक्षा कक्षा जो वर्ग आप लोग जो बैठे हुए हैं क्या है कक्षा। कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी रहते हैं, वहां तो एक नहीं रहते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी रहते हैं। तो ये क्या हुआ समूहवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल। मेला परिवार, इसी तरह से परिवार में ढेर सारे लोग रहते हैं और मेला में भी बहुत सारे लोग रहते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के झुंड या समुदाय का बोध हो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गुच्छा कक्षा मेला परिवार इत्यादि। उसके बाद हम जानेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आइए जाने द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा, आइए सबसे पहले हम द्रव्यवाचक की
परिभाषा जाने, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है। जिस संज्ञा शब्द से माप तौल का बोध हो, माप तौल का बोध हो जिस संज्ञा शब्द से माप तौल का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तेल, दूध, घी। तेल, दूध, घी इसे हम माप भी सकते हैं या तौल भी सकते हैं। तेल, दूध, घी, चीनी, आटा इत्यादि। द्रव्यवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से माप तौल का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तेल, दूध, घी, चीनी, आटा इत्यादि। तेल, दूध, घी को हम माप भी सकते हैं और इसको तौल भी सकते हैं। चीनी और आटा को हम तौल सकते हैं। तो बच्चों पहले ही मैंने बताया कि द्रव्यवाचक संज्ञा इस संज्ञा शब्द में माप तौल किया जाता है, तो इसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, चीनी और आटा को हम लोग तौल सकते हैं। तेल, दूध, घी ये तरल पदार्थ है, इसको मापा भी जा सकता है और इसको हम लोग इसको भी तौल सकते हैं। तो बच्चों मैंने आपको संज्ञा के बारे में बताई, इसको आप लोग फेयर कर लेंगे और ये सारी चीजों को आप लोग पढ़ कर समझ लेंगे और याद कर लेंगे। इसके बाद मैं फिर अगले वीडियो में आपको प्रश्न उत्तर बनाने के लिए दूंगी, इसीलिए इतना आप कंप्लीट कर लें।